हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सैफ और मैं एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट को कैसे टाइप किया जाता है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किसी भी इमेज को, आपके फोटोग्राफ्स को आप अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर कोट्स लिख के। और एक बात बताना मैं भूल गया, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये आप जाके इसको फॉलो कर सकते हैं, और आपके जो क्वेश्चन है, आपके जो क्वेरीज है, आप मुझे मैसेज करके डायरेक्टली आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेज मैंने ऑलरेडी ले ली है। मैंने बताया कि आपको मैं इस इमेज को अट्रैक्टिव कोट्स के साथ में डिज़ाइन करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट इफेक्ट, जो कि है टेक्स्ट को इस इमेज के बैकग्राउंड में लिखना। टेक्स्ट को बैकग्राउंड में लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप इमेज को कट कर लीजिए पूरी तरह से, जो कि PNG बन जाएंगे, और PNG के बाद में आप टेक्स्ट को बैकग्राउंड में लिख सकते हैं। ये रहा फर्स्ट तरीका। और सेकेंड जो तरीका है मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड इसका कॉपी कर लेता हूँ, मेमोरीज। हम कोड भी लिखेंगे यहाँ पे। फॉन्ट बेसिकली मैं यहाँ पे गौतम यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये मेरा फेवरेट फॉन्ट है, गौतम में मैं लूँगा गौतम ब्लैक, और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है जितना साइज मुझे चाहिए। लेयर पैनल में जाके यहाँ से अल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी बना लूंगा। पहले वाला लेयर जो है मैं उसको हाइड कर दूंगा। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैं इसके पीछे क्या करने वाला हूँ। ओपेसिटी इसकी मैं डाउन कर देता हूँ ताकि हमें बैकग्राउंड की जो इमेज है वो दिखाई दे। आपको यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक करना है और एक मास्क क्रिएट कर लेना है, और आपको ब्रश टूल सिलेक्ट कर लेना है। ब्रश टूल में आपको थोड़ा सा हार्ड वाला ब्रश लेना है। साइज इसकी आप एडजस्ट कर ले आपके हिसाब से, और यहाँ से बस फोरग्राउंड कलर जो है इसका वो ब्लैक होना चाहिए, और यहाँ से आप ब्रश करना स्टार्ट कर दे। जितना आपका जो पोर्शन है जो बैकग्राउंड में जाने वाला है उसको आप ब्रश कर ले। ध्यान रखना मैं यहाँ से जो मेरा ब्रश जा रहा है इतना पोर्शन मैं जो है इसको पूरा क्रॉप कर दूंगा, मतलब कि मैं उसको पूरा ब्रश कर दूंगा और दिखाई देगा कि ये इमेज के बैकग्राउंड में चला गया है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ इसको ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करके इसको बताया आपको। मैंने यहाँ पे पूरा मास्क कर लिया है, और मैं इसका ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये जो बंदा है इसके बैकग्राउंड में मेमोरीज लिखा हुआ है, तो ये वैसे भी अट्रैक्टिव लग रहा है। आप ऐसे इफेक्ट को ड्रॉ करके, ऐसे इफेक्ट को बना के आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आप फोटोज पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर फोटोज पोस्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह से बनाना है। इसके अंदर आप काफ़ी सारे इफेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको बताने के लिए इसके ऊपर एक कोड्स का, एक टाइपोग्राफी के टाइप में मैं एक कोड ऐड करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है कोड, तो मैं यहाँ पे बस उसका जो फॉन्ट है वो टाइप करके आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ करना है। गौतम में मैं लूंगा यहाँ पे सिंपल सा एकदम लाइट वाला, जो कि है टेक ओनली। इसको मैं सही से अलाइन कर लूंगा। ज्यादा बिगर फॉन्ट को आप लाइट फॉन्ट के साथ में यूज करें। ये एक टाइपोग्राफी का इफेक्ट है, काफी इफेक्टिव दिखता है, काफी अच्छा दिखता है। मैंने काफ़ी मेरे पोस्टर्स में यूज़ किया है, पहले भी मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए मैंने यूज़ किया है। आप भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये जो फॉन्ट है इसको हम सेम लेंगे, बस इसमें एक चीज़ ऐड करना है हमको कि जो फुटप्रिंट्स लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि ये दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगे।
अब ये रहा आपका इफेक्ट रेडी है। मैं एक मिनट में आपको जूम करके बता देता हूँ कि ये दिखने में एग्जैक्टली कैसा लगता है। अब थोड़ा सा अलाइनमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर लेट्स लगा के या फिर आप कलर लुकअप के अंदर आप यहाँ पे लुकअप भी लगा सकते हैं। मैं अभी इसके ऊपर कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ, मैं बस आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये वाला भी इफेक्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जस्ट मैं एक यहाँ पे एक इसके ऊपर लाइट ऐड कर देता हूँ ताकि दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगे। ये लाइट्स के पीएनजी आपको गूगल पे मिल जाएंगे। मैं इसको स्क्रीन रख देता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्क्यू कर देता हूँ। दिखने में थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, अच्छा लगता है। तो ये रहा वो वीडियो मैं जो कि बताना चाहता था आपको, टेक्स्ट को बैकग्राउंड में कैसे लिखना है और कोट्स के साथ में आपको बताया तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इसको इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक के ऊपर आप अपनी वीडियोस को बना के पोस्ट कर सकते। तो ऐसे भी और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो मेरे इस चैनल को और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर देना, इसके ऊपर हम लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर।